देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही दिल्ली मेट्रो के एक और लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ये मेजेंटा लाइन बोटेनिकल गार्डन से शुरू होकर कालका जी मंदिर तक जाएगी, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर को पीएम के हाथों होना है। उद्घाटन से पहले इस लाइन पर मेट्रो के ट्रायल रन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की एक ट्रेन ट्रायल रन के दौरान दीवार से टकरा गई। ट्रेन दीवार तोड़कर बाहर निकल गई। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन ड्राइवरलेस होगी। ड्राइवरलेस ऐसी ही एक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किया जा रहा था, जिस दौरान कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की एक ट्रेन ट्रायल रन के दौरान दीवार से टकरा गई और ट्रेन दीवार तोड़कर बाहर निकल गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली मेट्रो मामले की जाँच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक घटना की वजह मानवीय भूल है। बताते चले कि नई मेट्रो लाइन के शुरू होने से नोएडा से साउथ दिल्ली का सिर्फ 16 मिनट में आप पहुंच सकते हैं, जबकि फिलहाल इस दूरी को तय करने में 52 मिनट का वक्त लग रहा है। आपको बता दें कि मेजेंटा लाइन का प्लान बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी तक का है, लेकिन फिलहाल सिर्फ कालकाजी मंदिर तक ही काम पूरा हो पाया है।